दुर्गा खंडसारी मंदराना पानसेमल की ओर से समस्त प्रदेशवासियों किसानों व्यापारियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई नमस्कार आप सबके साथ हूँ मैं हूँ ऋषिका और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली एक ऐसा पर्व होता है जिसका हम सभी लोग साल भर इंतज़ार करते हैं लेकिन कहते हैं कि अगर इस पर्व में जो लक्ष्मी माँ की पूजा है उसमें कोई सी भी भूल चूक हो जाए तो हो सकता है कि जो सुख समृद्धि हमें मिलने वाली थी वो ना मिल पाए तो आज मैं आपको लक्ष्मी पूजन से जुड़े कुछ ऐसे ही सरल उपाय बताऊंगी जिनको करने से आपके घर में साल भर पूरे साल भर समृद्धि बनी रहेगी और धन की कमी कभी नहीं होगी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप जो घर में रंगोली बनाएंगे उसको बनाने से पहले शुरुआत करने से पहले उसकी क्या करें तो ऐसा हमने सुना है और हम देखते हैं कि कई लोग रंगोली बनाने से पहले वहाँ गोबर लीपते हैं उस जगह पर तो कहा जाता है कि जो गोबर लीपना है वो बहुत शुभ माना जाता है और इससे घर की जो सुख समृद्धि है वो बढ़ती है तो आप भी जब रंगोली बनाएं तो उसमें उसको बनाने से पहले वहाँ पर गोबर लीपना ना भूलें इसके साथ ही रंगोली में कुछ ऐसे रंग हैं जिनका आप विशेष रूप से इस्तेमाल करें ये दो रंग हैं लाल और पीला रंग रंग ये दोनों ही रंग हमारे शुभ माने जाते हैं पूजा पाठ के कार्यक्रम में हम इन्हें विशेष रूप से शामिल करते हैं तो इन्हें आप रंगोली में जरूर इस्तेमाल करें दूसरा उपाय है दिए का उपाय लक्ष्मी जी के सामने जो आप दिया लगाएं तो एक मिट्टी का जो कमल फूल का आपको अगर मार्केट में कहीं कमल के फूल का दीपक मिले तो आप उसे घर लेकर आए और उस दीपक को लक्ष्मी पूजन में शामिल करें इस दीपक को आप आपको मतलब जो दिया है ये लगाना है घी के दीपक का दिया और इसमें कितनी बत्तियाँ होंगी इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं क्योंकि जो नौ कहा जाता है कि जो बत्तियां हम जितनी ज़्यादा लगाते हैं जो जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तो जो ये जो घी का आप दीपक लगाएंगे इसमें आप नौ बत्तियां अवश्य रूप से लगाएं ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है नौ बत्तियों वाला दीपक लगाना इसके साथ ही हम लोग सभी अपने घरों के बाहर इस दिन तोरण ज़रूर बांधते हैं जी हाँ तोरण बांधने की जो परंपरा है काफ़ी समय से चली आ रही है तो इस बार मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस बार आर्टिफिशियल तोरण लगाने से अच्छा है कि आप घर पे ही आम के पत्तों का और गेंदे के फूलों का उसमें इस्तेमाल करें और एक सुंदर सा तोरण बना के अपने घर के बाहर लगाएं इसके साथ ही आप जो घर में घर के बाहर एक अभी जो मैंने बताया था वो था लक्ष्मी जी के सामने जलने वाला दिया अब जो मैं दूसरा बताने जा रही हूँ जो हम घर के बाहर दिए लगाते हैं उनके बारे में बताऊंगे कहा जाता है कि जो हम घर के बाहर दिए लगाते हैं उनसे हमारा घर तो जगमग होता ही है साथ ही ये हमारे घर की सुख समृद्धि बढ़ाने में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो जो ये दिए हैं इनमें आप जो आपके लक्ष्मी पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रसाद होता है खील और बताशे का उसको जो उसमें जो उसमें खील होती है वो आप इन दियो में डालें और इन खील के साथ एक लौंग भी अवश्य रूप से डालें कहा जाता है कि इसको दिए में डालने से जो हमारे घर की सुख समृद्धि है वो बढ़ती है और धन की कृपा हमारे घर में सदा के लिए रहती है इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो लक्ष्मी पूजन आपकी हो जाती है उसके बाद आपको घर के प्रत्येक कमरे में जाके शंख या फिर घंटी बजानी चाहिए और इस दिन आपको घर की एक भी लाइट मतलब जितना आप रोशनी फैला सकते हैं आपके घर में इस दिन रोशनी फैलाएं और इस दिन फूलों का भी काफ़ी खास महत्व होता है इस दिन कहा जाता है कि घर में जो भी फूलों की साथ सजावट हो वो सिर्फ गेंदे के ही फूल से होनी चाहिए इसके बाद एक और उपाय मैं आपको बताऊंगी वो है कमल के फूल का उपाय कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को जो धन की देवी हैं उन्हें कमल का फूल काफ़ी पसंद होता है कुछ लोग इस पूजन में कमल के फूल का इस्तेमाल करना हमेशा भूल जाते हैं तो इस बार आप लक्ष्मी पूजन में ये अवश्य ध्यान रखें कि आपको कमल का फूल इस्तेमाल करना है तो ये थे कुछ आसान से उपाय जिन्हें करके आप इस बार की जो आपकी दिवाली की पूजा है उसे अच्छा बना सकते हैं उसे आप प्रभावी बना सकते हैं यही कहा जाता है कई बार कि हमने पूजा काफ़ी अच्छे से की थी फिर भी हमें उसका फल नहीं मिला तो इन आसान उपायों को आप अपनाएं और आप देखें कि फिर आपके जो इस दिवाली का जो पूजन का जो फल है वो आपको कितने अच्छे से मिलेगा और साल भर आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी नमस्कार